सीएए कानून पर चल रहे विरोध पर सरकार का पक्ष रखने के लिए भाजपा ने देश भर में एक अभियान छेड़ दिया है, जिसके अंतर्गत सभी जनपदों में भाजपा के पदाधिकारी सीएए की सच्चाई समझाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम मुरादाबाद पहुँचे और मीडिया से मुखातिब हुए। हाल ही में प्रियंका गांधी द्वारा भगवा पर किए गए हमले का जवाब देते हुए दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये उनका राजनीतिक स्टंट है। भगवा को कब गाली देनी है, कब भगवा आतंकवाद कहना है, इन बयानों के चलते ही कांग्रेस आज सिमट कर रह गई है। वो खुद भुगतेंगे, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, सिर्फ राजनीति ही उनका धर्म है। और जहां तक एनपीआर के विरोध की बात है तो वह यही है, कांग्रेस जो एनपीआर को लेकर आई थी हमने तो उसे आगे बढ़ाया है। और आपके माध्यम से बता दें कि गांधी परिवार वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान के चैनल बोलते हैं, इनका आपस में तालमेल है। कई बार पाकिस्तान के चैनलों में राहुल गांधी की बात भी कोट की गई बात यूएनओ तक भी लेकर गए हैं, इसलिए मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र है, इनका देश से कोई वास्ता नहीं है। देखिए ये उनका राजनीतिक स्टंट है, कब भगवा को गाली देनी है, कब भगवा को कुछ कहना है, कहीं भगवा आतंकवाद कहना, ये कहना, ये जनता देश की जान चुकी है। आज वो बहुत कम सीमा के अंदर वो सिमटते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं को लीडिंग हुआ करते थे, आज छोटी छोटी सीटों पर भी उनको लड़ना पड़ रहा है, ये खुद ही अपने आप भुगतेंगे, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, उनका शासन करना ही जाति और धर्म है। नहीं, अब लगातार जिस तरह से वो भगवा रंग पे कर रहे हैं, कभी उन्होंने अपने परिवार के बारे में लेकर इस बात को, अब परिवार के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा, किसी व्यक्तिगत नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो वोट बैंक के सौदागर है सर। ओके, इसके अलावा सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से यूपी के अंदर लगातार जो हिंसा हुई है, उनमें मरने वालों के घर जा रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि वह लोगों ने देश में दंगा भड़काने के अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग किया। आज भी वो जो पुलिस वालों घायल हुए उनके पास नहीं जा रहे, जो लोग दंगा करने वाले हैं, जिन्होंने दंगा किया है हमारे दिल्ली में, तो 5 लाख रुपया और उसको नौकरी देने का केजरीवाल ने वादा भी कर दिया, और कांग्रेसी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सभी विरोधी दल है, उनका वोट बैंक पक्का हो जाए, उनके पास में जा रहे हैं, जबकि उनकी क्लिप आ गई है कि उन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। और जो पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेल कर इस दंगों को रोकने का काम किया है, उनके बारे में उनके पास कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार से ये धर्म पर आधारित राजनीति कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि हम धर्म पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, ये उनका दोहरा चेहरा जनता समझ चुकी है, जब मौका आएगा उनको फिर समझा दिया जाएगा। नागरिकता कब तक दे दी जाएगी, कितना इसका कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया गया है? इसका चालू हो गया है, देखिए ये शासन मोदी जी का शासन है, कांग्रेस ने जितने भी आज़ादी के बाद देश को गड्ढे बनाकर दिए थे, जो हमारे पूर्वजों ने देखा था एक भारत सशक्त भारत बनेगा, एक मजबूत भारत बनेगा, जिस प्रकार से देश आतंकवाद से भी जूझता रहा, देश की सीमाओं पे भी जूझता रहा, हमने जो 5-6 महीनों के अंदर क्रांतिकारी जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, और ये भी नहीं कहा मैनिफेस्टो में, जब से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हम आए हैं, जो हमने कहा है वही करके दिखाया है, हम एक कदम इधर चले ना उधर चले हैं, जल्दी ही सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, बल्कि हमारे विरोधी तो ये रहेंगे, एक में एक को हम दंगा करने की कोशिश करते हैं, ये दूसरा एजेंडा लेके आते हैं, वो दब जाता है, इसलिए हम काम में अग्रसर ही हैं, देश के हित में जो भी कदम हमें उठाने पड़ेंगे वो सारे कदम जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। सर, अभी आपने जो अभी आप जब भाषण दे रहे थे तो उस समय पे आपने ये बात कहा था कि जो है जो ये हिंसा जो हो रही है वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार करा रहा है, इसके अलावा आपने साथ ही साथ पड़ोसी देश का भी नाम इसमें शामिल करा था, तो क्या पड़ोसी देश का क्या गांधी परिवार से कोई ताल्लुकात को लेकर आप कुछ करेंगे? गांधी परिवार वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान के चैनल भाषा बोलते हैं, इनका आपस में तालमेल है, इनके चैनलों पे, पाकिस्तान के चैनलों पर वो अनेकों होने के बाद राहुल गांधी की कोर्ट की भी बात को यूएनओ में भी लेकर गए, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और इनका देश से कोई वास्ता नहीं है। एनसीआर को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये बात कहा था कि वो संयुक्त राष्ट्र जाएंगी वहाँ पर लाला हुआ, तो इसको लेकर क्या देखिए, भारत का आंतरिक मामला, अगर आप ममता बनर्जी का भी देखेंगे, जब वो केंद्र में मंत्री थे, बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेशी आते थे उन्होंने बिल लेकर आए थे कि बांग्लादेशियों को पहले बाहर निकालो, ये वेस्ट बंगाल में कहा था उन्होंने,
वेस्ट बंगाल के लिए कहा था कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, लेकिन आज वोट बैंक के कारण वो आज उनके साथ में खड़े हैं, जो मुसलमान वहाँ से रोहिंग्या वगैरह जो देशद्रोही लोग आ गए हैं आज उनकी वकालत कर रहे हैं। जो इन्होंने यूएनओ वाला प्रश्न किया है, ये हमारा आंतरिक मामला है, इन विषयों को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, देश को मजबूत करना है, देश के बारे में सोचना चाहिए, इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभी कुछ समय पहले भी कहा था और लगातार वो कहती आ रही है कि अगर बाहर के हिंदुओं को नहीं दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, तो हम अपने यहाँ किसी हिंदू को नहीं रहने देंगे, मतलब जो शरण होकर आएंगे हम उनको अपने यहाँ नागरिकता नहीं देंगे अपने पश्चिम बंगाल में, तो उसको लेकर बाहर के मुसलमानों को हमने नागरिकता देने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन धर्म के कारण पीड़ित हैं उस पर हम नहीं देंगे, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान मुसलमान तो धर्म के आधार पर कैसे प्रताड़ित कर सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है जो नागरिकता ले गए हिंदू हो चाहे वो, उनको जो है हम पश्चिम बंगाल में नहीं रहने देंगे। वो लोग जनता को गुमराह कर कर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। केंद्र का जो कानून होता है उसकी कहीं भी चुनौती नहीं है, कोई भी राज्य ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको नहीं मानेगा।